आपको थाईलैंड अभी ट्रैवल करना है या नहीं करना है ये इंटायरली आपका कॉल है. यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन. अगर आप भी थाईलैंड जाना चाहते हैं, आपका ट्रिप ऑलरेडी प्लान हो चुका है, टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, या फिर आपको टिकट्स करानी है बट आप कंफ्यूज्ड हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे थाईलैंड जाएं या नहीं, इज़ इट सेफ टू ट्रैवल टू थाईलैंड ड्यूरिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक. सो आज की वीडियो आपके लिए है. पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा. रियलिस्टिक एस्पेक्ट देने की कोशिश की है, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, क्या प्रॉज है और क्या कौन से, क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं लौटी हूँ थाईलैंड वेकेशन से और मैंने जैसे ही वहाँ के ब्लॉग्स पब्लिश किए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं वो ये है कि थाईलैंड जाना अभी सेफ है कि नहीं, हम वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. सो मैंने कई सारे रिप्लाईज दिए हैं बट मैंने सोचा एक फुल फ्लेज वीडियो बनाती हूँ जिससे जो भी लोग थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं या जिनके मन में भी ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए. जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना के बाद थाईलैंड ही एक ऐसा देश था जहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए गए थे. अप्रोक्स 35 लोग कोरोना वायरस से डिटेक्ट हुए थे. उसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि थाईलैंड में मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं चाइना से. अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि 70% जो यहाँ पे टूरिस्ट की पॉपुलेशन है वो चाइना से आती है. और जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो ऑलरेडी कुछ लोग चाइना से थाईलैंड आ चुके थे. हो सकता है ये रीजन हो वहाँ पे ये वायरस स्प्रेड होने का. एग्जैक्ट रीजन तो कोई भी नहीं जानता. गाइस, हम थाईलैंड गए थे जनवरी एंड में. कोरोना वायरस का आउटब्रेक ऑलरेडी हो चुका था, कुछ 10 डेज हो चुके थे और हमें पता था कि थाईलैंड में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है वहां पे भी हमें प्रॉब्लम हो. तो हमने भी कुछ दिनों तक टाइम लिया, सोचा कि जाए या नहीं जाए. काफी सारी कंफ्यूजन थी, कुछ वीडियोस देखे बट कुछ समझ में नहीं आया. फिर लगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में होती वहां पे तो एयरलाइंस की तरफ से ही टिकट कैंसिल हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट काफी सारे मेजर्स ले रही है इसको प्रिवेंट करने के लिए. और वैसे भी हमने सोचा कि चाइना में ज्यादा इश्यू होंगे या चाइना में अगर हम ट्रैवल करते हैं तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. तो हम निकल तो गए अपने ट्रिप पे बैंकॉक, फुकेट, फीफी आइलैंड और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है. बट साथ ही हमने लिए थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर एयरपोर्ट पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपका फीवर चेक होगा. अगर आपको हाई फीवर डिटेक्ट होता है तो आपको वहीं पे रोक दिया जाता है. इसलिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी हमारे साथ कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ट्रैवल कर रहा है. बात करें अगर थाईलैंड की तो वहां पे सब कुछ नॉर्मल था. ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई डर डर के रह रहा है या बाहर नहीं निकल रहा है. जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो आराम से घूम रहे हैं, अपना लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. हाँ, चाइना से लोग नहीं आ रहे थे इसलिए पॉपुलेशन वहां की कम हो गई है, बहुत हद तक कम हो गई है. मार्केट्स में, नाइट मार्केट्स में, बीच एरिया में आपको पॉपुलेशन थोड़ी कम दिखेगी, पर जितने भी लोग जा रहे हैं वो आराम से एंजॉय कर रहे हैं. मैं वहाँ 1 वीक रह के आ रही हूँ अलॉन्ग विथ माई फैमिली, मेरा एक छोटा बेबी भी है, तो मुझे ऐसा वहाँ कोई दिक्कत नहीं लगी. इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ. आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है या नहीं करना है ये इंटायरली आपका कॉल है. मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, ना ही मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप जाइए या फिर ना जाइए, ये इंटायरली आपका कॉल है. अगर आपकी टिकट्स हो चुकी हैं, होटल फ्लाइट्स वगैरह हो गया है और वो रिफंडेबल है, सबसे बड़ी बात अगर आप स्केयर्ड हैं, अगर आप डर रहे हैं जाने से, तो अपनी टिकट कैंसिल करा दें या फिर पोस्टपोन करा दें, कुछ महीनों बाद चले जाएं. अगर आप नर्वस हैं तो कभी मत जाइएगा, वरना हमेशा आप डरते रहेंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे. और अगर आपकी टिकट्स नॉन रिफंडेबल है, आपको ऐसे कोई नर्वसनेस नहीं है कि वहां पे जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जाइए और आराम से एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं क्योंकि हम भी वहां से आ रहे हैं. बट अगर आप डर रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप वहां ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो जाने का कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा ये है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप चले जाएं. बट सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास एक मास्क होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां जगह जगह से लोग आए हुए हैं, तो आपके पास एक मास्क हैंडी होना चाहिए, फेस मास्क. हर इंडिविजुअल के पास अपना एक मास्क होना चाहिए. जो मास्क कोरोना वायरस को प्रिवेंट करता है, जहां तक मैंने सुना है, वो है N95. बट हमारे पास एक नॉर्मल यूजुअल मास्क था, हमें ये मास्क नहीं मिला है और ये मास्क काफी ज्यादा कॉस्टली भी है. तो आप चाहें तो ये लें, या फिर अगर आपका नॉर्मल मास्क है तो आप वो लगा सकते हैं. हमने हमेशा नॉर्मल मास्क ही लगाया था,
जहाँ पे ज्यादा क्राउड था हमने वहीं पे मास्क लगाया था, जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, मार्केट एरिया हो गया, वहीं पे हमने मास्क लगाया हुआ। सी फूड का इंटेक अवॉइड करिए, हो सके तो कोई भी नॉन वेज आइटम मत खाइए। वैसे तो कहा जाता है कि रॉ मीट से ये कोरोना वायरस फैलता है, कुक्ड मीट से नहीं फैलता है, बट हो सके तो कोई भी नॉन वेज आइटम मत खाइए। अपने पास एक हैंड सैनिटाइजर हैंडी रखिए, कुछ कुछ देर पे आपको अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है। हो सके तो सैनिटाइजर इंडिया से ही ले जाइए, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है। लोकल से या टूरिस्ट से किसी से भी हैंडशेक या क्लोज कॉन्टेक्ट आने से बचे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर। सी फूड जहाँ पे कुक हो रहा है या जो लोग सी फूड इनटेक कर रहे हैं उनसे भी हो सके तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अपने मास्क को कहीं भी ऐसे नहीं फेंक दें, क्योंकि अगर उसमें जर्म्स आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसे वेयर करने का। अगर आपके साथ इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, यानी कि बच्चे हैं, तो उनका खास ध्यान रखें, उनका माउथ हमेशा कवर करके रखें मास्क से और कहीं भी उसे ना निकालें, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, तो इसलिए उनका मास्क ना निकालें। समय समय पर उनका हैंड वॉश कराते रहें या सैनिटाइज करते रहें, और ये मेक श्योर करें कि वो बार बार अपने आईज को, माउथ एरिया को टच नहीं करते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैले। कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं कफ, कोल्ड एंड फ्लू। तो अगर आपको फीवर होता है या फिर आपको कोल्ड ऐसा हो रहा है कि वो जा नहीं रहा है, तो डॉक्टर से जरूर चेक कराएं, वहां भी आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। जाके एक बार डॉक्टर से चेक करा लें, मेक श्योर कर लें कि आप बिल्कुल ठीक है। वैसे हर एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हो रही है, हम यहाँ जब वाराणसी से गए तो भी हमारी स्क्रीनिंग हुई, वहां पहुंचे तो भी हुई, हम जब फीफी आइलैंड जा रहे थे पोर्ट पे भी हमारी स्क्रीनिंग हुई, और वापस आते वक्त भी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हुई। हर तरफ से मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ट्रैवल नहीं करे। सो ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आप इन सारी चीजों को फॉलो करें। आपको थाईलैंड अभी ट्रैवल करना है या नहीं करना है ये इंटायरली आपका कॉल है, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन। नर्वस हैं, स्केर्ड हैं तो मत जाइए, और नहीं है तो जाइए और एंजॉय करिए जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई हेल्प अगर आपको चाहिए थाईलैंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वहां पे कैसे क्या करना है, कहां पे क्या मिलेगा, तो ये भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि जाएं या ना जाएं, तो उनको उनका आंसर मिल सके, वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। इनिशिएटिव था आपको हेल्प करने के लिए, आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वाकई पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।